अपनी जी हालत ख़राब हो चुकी है। तो इंटरव्यू नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के सारे नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं शुरू। में उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। अभी जी टाइम 6 हो रहे हैं और इस वक्त हम बंजोसा झील के किनारे बैठे हुए हैं। हमारा जो प्लान था वो एक दिन का था, लेकिन जब हम नहरिया शरीफ पहुँचे तो उसके बाद प्लान चेंज हो गया। उसके बाद ये डिसाइड किया कि बंजोसा चलेंगे, उसके बाद फिर रावलाकोट चलेंगे। तो अभी हम बंजोसा मौजूद हैं, इसके बाद हम रावलाकोट चले जाएंगे। तो अभी हम पहुँचे यहाँ पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट हम यहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे बहुत टाइम पहले ये था कि ये जगह विज़िट करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। टाइम मिला तो बिल्कुल हाथ से ये मौका हमने नहीं गंवाना। फिर अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रात होने वाली है। रावलाकोट हमने टाइम से पहुँचना है, वो कज़न के मामू जाने उनके घर हमने रात को स्टे करनी है, फिर हमने सुबह सुबह वहाँ से निकलना है घर की तरफ। तो अभी जी हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, तो मैं फोर कैमरा नहीं घुमाऊँगा क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पर जी अच्छी खासी सर्दी है, तो जैसे सर्दी यहाँ पे मुझे लग रहा है हम रात को यहाँ पे पकौड़ा बन जाएंगे। हम साथ कुछ नहीं रहे, इतना अंदाज़ा था ठंड होगी, लेकिन अभी यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा बन गया है, बादल अच्छे खासे छा गए हैं और हवा भी साथ ठंडी ठंडी चल रही है। अभी जैसा मौसम है अगर यही रहा तो भाई साहब रात को हम बड़ा बनने वाले हैं। अभी हम पहुँच जाएगा यार, इतनी ज़्यादा ठंड लगी है मुझे नाम ही याद नहीं रहा। अभी हम बंजोसा झील पर मौजूद हैं, बस निकलने ही वाले हैं। ये रहा हमारा बाइक और यहाँ से आगे आधा या पौना घंटा लगेगा रावलाकोट बाज़ार का। हम वहाँ जाएँगे अपने कज़न के मामू जान, वहाँ पे उनके घर हमने स्टे करनी है, सुबह वहाँ से निकलना है। और मौसम तो बहुत ही प्यारा, वैसा कोई गर्मी नहीं है, ठंडी ठार हवा है और बहुत ही प्यारा मौसम है। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ व्यू कि कैसा है। उम्मीद है कि हम वहाँ हैर हाईवे से पहुँच जाएंगे, बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा तो बहुत तेज़ है भाई साहब और बहुत ज़्यादा रश है लोगों का यहाँ पर। ये देखिए गाड़ियाँ गाड़ी खड़ी हैं, कुछ अंदर भी खड़ी हैं, कुछ बाइक खड़ी हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, वो नीचे झूले लगे हुए हैं सैर व तफरी के लिए भी। भाई साहब बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और अभी 7:30 हो रहे हैं। अभी कैमरे में आपको सही तरह से रोशनी नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी मगरब का टाइम हो चुका है, ये अच्छी तरह से बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसा सोचा था उससे बढ़कर प्यार, सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई, अभी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है और बहुत तेज़ बारिश है। अभी हमने एक दरख्त के नीचे आके अपना लिया है, या नहीं यूँ ही ठहरी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। बारिश होते हुए बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है मामू जान के घर पहुंचने के लिए। तो बारिश हो रही थी, थम जाए तो फिर हम जाते हैं, ऐसे लग रही तो हम भीग जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अभी यहाँ सुबह का टाइम है और ऐसा मौसम है माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा, आवाज़ आपको आ रही होगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमारा जी नाश्ता आ चुका है, अंडे पराठे और चाय, और बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, बारिश और बादल एक साथ ही आने वाले हैं थोड़ी देर तक। गुड मॉर्निंग जी, आज दूसरी सुबह हमारी और आज का जो सफ़र है वो घर की तरफ है। तो अभी हम सर्किट हाउस रावलाकोट के बाहर खड़े हैं और अभी हम अपने मंजिल की तरफ जाएंगे, मतलब घर की तरफ हमें निकलना है। बाइक हमारी एक्सीलेटर भी खड़ी है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे यहाँ और यहाँ का जो मौसम है, अभी आप देख सकते हैं कि मौसम कितना प्यारा है, इतना शानदार मौसम है, कोई गर्मी का पता नहीं चलता गर्मी यहाँ पर है या नहीं। तो जब हम यहाँ पहुँचे कल तो मगरब के वक्त बारिश ने शुरू किया बरसना, तो सुबह तक बारिश ही बारिश। तो अभी माशा थोड़ी सी रुकी है, हमें वक्फा मिल गया है घर वापस निकलने को। तो वैसे हमने सोचा था जैसे बारिश लगी हुई है इसलिए थमने का नाम नहीं लेना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थम गया है और मौसम बहुत ही प्यारा। अभी इतनी ठंड नहीं लग रही, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ठंड। तो बस जी अभी आराम सुकून से हमने नाश्ता किया है और वापस हम निकलने वाले हैं, और उम्मीद है कि हम 2-3 घंटे तक बैठ लोज तक पहुँच जाएंगे। वक्फा हमने रास्ते में हमने रुकना भी है, अगर हम स्टिल चलें तो 1 घंटे 1.5 घंटे में हम बैठक लोज पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने रास्ते में रुकना है, कुछ वीडियोज़ वगैरह बनानी है। तो ऐसे करते करते चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, और
उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा और इसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा पहला चक्कर है रामला पुर का, इससे पहले अभी नहीं आया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी बनेगा टूर, तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, तो अभी चलते हैं। ये जी रामला पुर बाज़ार नीचे चौक है और मैं इस ऊपर जाने में खड़ा हूँ, और ये साथी स्टील मिल है जहाँ पे चादरें वगैरह बनती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ रह गई है, जो चीज़ें थी पैकिंग तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा शक हो रहा है कि हमारी कोई ना कोई चीज़ अब वहाँ रह गई है। जी हमने रावला पोर्ट को बाय बाय कह दिया और अभी हम निकल पड़े हैं जी अपने घर की तरफ। अभी जी हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे पेट्रोल 211 रुपए है। अस्कर पेट्रोल पंप यहाँ पे पता नहीं कौन से भाई सकते हैं, और अभी इसका मेरे ख्याल में मरम्मत का काम शुरू हुआ है। ये अभी फर्श वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, रोड़ी वगैरह पड़ी हुई है। अभी जी हम खाई गला से थोड़ा सा आगे आए और वहाँ से आते हुए मेरी नज़र इन पहाड़ों इन दरख्तों पर पड़ी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, व्यू है, और ये जो आप देख रहे हैं इस जगह का मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कि नाम क्या है इसका, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। ये देखें आपके सब आपके सामने ये घर कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं चादर वाले। हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसे घर नहीं बनाए जाते, यहाँ पर चूँकि बर्फ़ पड़ती है तो ऐसे घर बनाए जाते हैं। और इस साइड आप देखें माशाल्लाह दरख्त ही दरख्त, बहुत ही पीसफुल माहौल है। अभी सुबह के जी 10:15 हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा दिल किया कि क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अभी आप देखें बैठ जाए थोड़ा सा आगे, ये नीचे हरे भरे खेत, ये जंगल, माशाल्लाह मज़ा आ गया। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, हमारे यहाँ भी जंगल हैं लेकिन जो दरख्त यहाँ पर हैं इतने घने, हमारे यहाँ तो सब आग की लपेट में आ गए लेकिन यहाँ पे लोगों ने आग नहीं लगने दी, सेव रखे हैं सब कुछ। और माशाल्लाह ये देखें आप ये घर यहाँ पे, सब जितने भी घर आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे सब ऐसे ही बने होंगे एक ही सैंपलों का चादरों के, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ वाले जगह पे ये मकान बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और अभी हम खाई कला से थोड़ा सा आगे हैं 1 या 2 किलोमीटर, इससे आगे जो का नाम है वो बंजोसा है, बंजोसा लेक, बंजोसा झील, वहाँ पे हम हो सकता है ठहरें लेकिन ज़्यादातर चांस ठहरने के नहीं है क्योंकि हम कल वहाँ पे ठहरे थे, आज बाहर से ही हम चले जाएंगे। पहले से हम बहुत लेट कर चुके हैं, जितना जल्दी हो सके हम घर पहुँचेंगे, तो अभी हम चलते हैं जी। मेरा दिल तो नहीं कर रहा ये जगह छोड़ने को, बहुत ही मज़े का व्यू। अभी कैमरे में मैं नहीं बता सकता कि आपको कैसा लग रहा है, बंदा अपनी आँख से देखे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। बाय बाय बंजोसा। बहुत ही मज़े का मौसम है भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा और धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगती। जो ही हम अपने एरिया में दाखिल होंगे हमारी खतूत शुरू होगी, वहाँ से ही गर्मी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जी मैच शुरू था तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। हमारे यहाँ जो गेम खेली जाती है वॉलीबॉल, उसको शूटिंग वॉलीबॉल कहते हैं, और ये जो खेली जाती है इसे भी वॉलीबॉल कहते हैं लेकिन स्मैश बॉल कहते हैं। ज़्यादा जो फेमस है वो ये है स्मैश बॉल। हमारे यहाँ डबल टैप होने पे फॉल हो जाए लेकिन यहाँ पे डबल टैप करके बॉल बना के अगले वाले को आगे वाले भाई को दी जाती है कि वो स्मैश करे और पॉइंट निकाले। जो हमारे यहाँ गेम खेली जाती है वो मुख्तलिफ है इस गेम से भाई साहब। हमारे यहाँ तो इसका मेरे ख्याल में किसी को पता नहीं होगा, अगर किसी को होगा तो बहुत कम, कोई तो खेलता ही नहीं होगा इसे। बलोच
बाज़ार यहाँ से यहाँ पर बलोच बाज़ार का अहतमाम हो जाता है। और ये नीचे देखें जी हाँ भाई साहब, सच में कैमरे में इतना कुछ नज़र शायद आपको ना आए, लेकिन ये इतनी बुलंद जगह है, आप नज़र लगा सकते हैं वो सामने ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं। ये नीचे बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पता नहीं कौन सा इलाका है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। नीचे मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे देखें दरख्त ही दरख्त खूबसूरत सर सब शदाब। यहाँ पे मेरे ख्याल में आग नहीं लगी हुई, फोग वगैरह है यहाँ पे, पर वो दूर आग लगी हुई है जंगल में। तो ये इलाका सेव नज़र आ रहा है क्योंकि ये हरा भरा है, और यहाँ पे बलोच बाज़ार का अख्ताम हो जाता है। और हमें निकले हुए 4 घंटे हो गए, हम 8 या 8:30 बजे निकले थे और रावला कोर्ट से, इसमें अभी बलोच बाज़ार के लास्ट पर हैं। तो अभी यहाँ से हमने निकलना है, और रास्ते में हमने कोई स्टे नहीं करनी, या हम होटल पर करेंगे सेंसा में, या उससे पहले सरसावा आता है जो होटल जहाँ पे कल हमने आते हुए स्टे की थी, अगर हमने स्टे की तो, अदरवाइज़ कोई इरादा नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि जितना आराम से और हो सके हम सफ़र करें और जल्द से जल्द घर पहुँचे। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया है, सफ़र भी हमारा बहुत ही मज़े का रहा है। सफ़र बहुत ज़्यादा था लेकिन हमने बाइक पे किया है, बाइक पे आपको पता है थोड़ा तंग हो जाता है लेकिन बहुत ही मज़े का सफ़र है। और ये नीचे आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं आपको विज़िट करा देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और नज़ारा है भाई साहब। इंशाल्लाह एक मतलब फिर सर्दियों में भी आना है, यहाँ पर बर्फ़ देखनी है हमने, मैंने अब तक बर्फ़ नहीं देखी, तो सर्दियों में भी आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही मज़े की जगह है, विज़िट करेंगे, एक दो रातें भी यहाँ पे गुजारेंगे। ये रहा जी इंडिया मोड़, ये इंडिया मोड़ पर यहाँ पे भाई साहब ने कोई रेल लगाई है, वो आगे खोखा टाइप है, चाय वगैरह वहाँ पे भाई देते हैं। एक लॉन्ग टाइम पहले सब कहते थे इंडिया मोड़, मैं सोचा था इंडिया मोड़ पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है वहाँ पर इंडिया मोड़, पर ये सेकंड टाइम में आया हूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम में यहाँ पे आया हूँ ना तो ये जहन में था कि इंडिया मोड़ पता नहीं क्या है, जब यहाँ पहुँच कर देखा तो इंडिया मोड़, ये चीज़ है, ये दरख्त है, वो आगे एक दुकान है, और ये दरख्त हैं, और सामने पहाड़ है। तो इंडिया मोड़ ये कुछ था, मुझे नहीं पता था कि इंडिया मोड़ ये कुछ है। अभी हम इंडिया मोड़ पर ठहरे, टाइम 1:15 हो गए, और हमारा जो टारगेट है वो 2:15 या 2:30 बहुत ज़्यादा करें, 2:30 बजे इंशाल्लाह हम अपने घर होंगे। तो अब स्पीड जो हमने तेज़ किया है एक तो उतराई है, और ऊपर से हमने जो टाइम रखा है, कज़न ने वो कहा था 2:30 बजे हम इंशाल्लाह घर होंगे, और नमाज ज़ोहर हम घर जाकर अदा करेंगे। और ये नीचे जी पता नहीं कौन सा कौ है, माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही मज़े का व्यू है। मेन मेन जगहों पे हम रुक रहे हैं, तो दिल ही नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, बस घर चलें। इधर ठंड बहुत ही, सच्ची बात है, मेरा दिल था कि वहाँ जाके फ्रेश हो जाएंगे नहाएंगे, लेकिन जब रावला कोट पहुँचे तो भाई साहब सर्दी इतनी थी, दिल ही नहीं कर रहा था नहाने को। एक तो बारिश शुरू हो गई थी, ठंड भी हो गई थी, जब वहाँ पहुँचे तो कसम करने लगा भाई जान नहाने की मर्ज़ी है, जब पानी को हाथ लगाया भाई साहब बहुत ठंडा पानी था, तो वहाँ भी नहीं नहाया जा सका। तो अभी घर जाकर ईजी हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे रूटीन वाइज सब कुछ चलेगा। अभी सब कुछ इधर से उधर हो गया, धर्म भरम हो गया। अभी वो रहे जी कज़न, हो गया जी, चलें जी। वेलकम टू कश्मीर मोड़, यहाँ पे कश्मीर मोड़ लिखा है, कश्मीर मोड़ ज़िला सुधनोती। तो ये जगह फेमस इंडिया मोड़ से है ये कश्मीर मोड़, यहाँ पे लोगों ने इंडिया मोड़ जगह को फेमस कर दिया जी, इंडिया मोड़ ये कुछ है, और यहाँ पे कुछ नहीं है भाई साहब। अगर आपको चाय पीनी है वो सामने एक दुकान है, यहाँ पर भाई साहब चाय देते हैं, और बस ये आपको सामने इलाका नज़र आएगा, दरख्त नज़र आएंगे, घर नज़र आएंगे, खेत नज़र आएंगे, और कुछ नहीं नज़र आएगा। बाय बाय जी रावला कोट त्राड़खल बलोच। अभी ये हम यहाँ से निकले हैं, आगे इससे सावा आ जाएगा बाहर का जी, साफ सड़क पर हम आ चुके हैं। ये रोड पलंदरी जाती है, ये जो सामने जा रही है ये अपने घर की तरफ जाएगी, मतलब कि सेंसा से होते हुए आगे।
सेंसर इस्लामाबाद पहुँच जाए हैं, इससे आगे सेंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो अभी हम यहाँ पे एक भाईजान ने सुजुकी पे सारा सेटिंग की हुई है गन्ने के जूस की, तो अभी हमने ऑर्डर दिया है 2 ग्लास का। अभी यहाँ पे थोड़ी ठंडी छाँव है और हवा भी ठंडी है। यूँ ही इंडिया मोड़ से हम नीचे पता चला के अपने इलाके में पहुँचे हैं। सही गर्म हुआ, इतनी गर्म हुआ कि वैसे मुंह सामने नहीं होता। तो अभी इन चीड़ों की ठंडी छाँव है और हवा भी ठंडी है। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो अभी हमने बाइक खड़ी किया है। ये भाईजान ने जनरेटर ऑन कर दिया जी। अभी 2 ग्लास पिएंगे तो ताज़ा दम हो जाएंगे। बैठक ब्लॉक से लेकर यहाँ तक कोई भी दुकान नज़र नहीं है, ना ही कोई इस तरीके के जूस का ठिया वगैरह। तो अभी ये पियेंगे, उसके बाद फिर हम चलते बनेंगे जी। सही ठंडा है भाईजान। ऐसे ही सड़क अराउंड अबाउट घूमते घूमते नीचे आती है। अभी वो ट्रक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमते घूमते ऐसे ही नीचे। हम ऊपर गए तो ऐसे ही ऊपर चढ़े, ऐसे ऐसे बाल खाते हुए शाम की तरह। समझ लें कि ये पहाड़ियाँ आप घूमते घूमते ऊपर जाएंगे, फिर दूसरी तीसरी, ऐसे ही सफ़र आगे चलता जाता है। पर यहाँ पे गर्मी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, बहुत ही मुश्किल हो गया है जी दोबारा से। रात को वहाँ पर बहुत बारिश हुई थी, इधर तो सुनने में अभी तक नहीं हुई, तो आगे देखते हैं कि 1-2 दिन तक शायद बारिश हो जाए, नहीं तो ये मौसम रहा तो बहुत ही मुश्किल है। ये जी खालस गन्ने का जूस, मज़ा आ गया। अभी जी एकदम ताज़ा हो गया, अभी ठंडा ठंडा जूस पिया है तो हम सेट हो गए। अब यहाँ से फिर वहाँ पहुँचने तक वैसे के वैसे हो जाएंगे हम। धड़ाधड़ गाड़ियाँ आ रही हैं जी इतनी गर्मी में, अभी रूट पर वो रवा दवा है। शुक्र लगा रोड बन गई है, सफ़र जितना भी तवील हो रोड साफ हो तो वैसा मुश्किल नहीं होती। सफ़र थोड़ा सा भी हो, रोड ख़राब हो तो वो भी मुश्किल हो जाता है। ये रोड साफ है, यहाँ से बैठक बलोच नहीं ससावा तक, यहाँ से ससावा तक रोड सही है, उससे आगे बलोचा ख़राब है, फिर वहाँ से आगे और रावला कोट तक सही है। आगे मुजफ़राबाद बाग जहाँ भी आपने जाना हो रोड आगे सही है, थोड़ी थोड़ी सी ख़राब है यहाँ रास्ते में। ये नीचे रहा जी अपना विलेज, अपना विलेज फिर अपना ही होता है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है, बालों की अपनी कब से ये कपड़े पहने हुए हैं आप देख रहे हैं, हालत सफ़ेद कपड़े थे ब्लैक हो गए। और अभी ये इतना घना दरख्त था तो कदन को मैंने कहा इस दरख्त के नीचे थोड़ी देर ठहरते हैं उसके बाद चलते हैं। सफ़र बहुत ही मुश्किल हो गया था, सर दर्द भी है अभी, तो अभी अपना विलेज नज़र आया तो दिल बाग बाग सा हो गया। गर्मी है लेकिन चलेगा, तो अभी मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग के लिए यहीं पर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, अतिक्रमण को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। अल्लाह।